मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। सो 9th क्लास वी डिस्कस एन एक्सरसाइज 6.1। तो उसी पे कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इन 6.1 completed question number 4। We continue पढ़ेंगे 6। question number 5। क्या given है? In this diagram, given क्या है? O R और P T product क्या है? O S is another name line between the O P and O R and group that angle R O S equal to 1/2 OS minus angle Q over ये given है और ये बता है। देखिए हमें दो ही concept use करनी है, linear pair of angles और vertically opposite angles। तो vertically कोई intersect line cross करने के लिए vertically opposite angle use नहीं कर सकते, केवल क्या use करेंगे? linear pair of angles। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न में सुन लेते हैं आपका दूसरा। हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। आर ओ एस के तो लिखा एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। क्वेश्चन नंबर ये आर ओ एस है, इस टोटल में से इसको माइनस किया है राइट हैंड साइड से। एंगल आर ओ एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ एस माइनस क्या लिखे? क्यू ओ आर। इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो ये आगे से फर्स्ट सेशन देना। वी कैन राइट ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो चलिए सेकंड एंड थर्ड लिया। तो सेकंड एंड थर्ड वी कैन टेक इट सेकंड एंड थर्ड। तो वी कैन राइट ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा राइट राइट से क्लियर है आर ओस एंगल आर ओस। ये क्या एंगल पी ओ माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस उधर दोनों का सम कर दिया क्या हो गया एंगल का। अब ध्यान दें एंगल मतलब क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस को एक जगह पर राइट किया और ये क्या था एंगल पी ओ आर माइनस पी ओ आर एंड क्यू ओ आर क्या है इक्वल। तो इस क्यू ओ आर के प्लेस पे क्या लिख दिया पी ओ आर। कहां से राइट किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर पी ओ आर माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास आ गया एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस
माइनस वन बटा टू। तो आपके पास क्या हो गया, पाई एक्स को वन बाई टू डिवाइड कर दिया, टेंजेंट क्यूब पर माइनस क्या होगा, क्या क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बड़ा नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, बड़ा क्वेश्चन गिवन है, इन गिवन दैट एक्स वाई जेड, डायग्राम भी आपको बनाना, एक्स वाई जेड इज कितना है, एक्स वाई फ्रॉम एक्स टू वाई कितना प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस पॉइंट बी, कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट बी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन, फ्री वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी पी वाई जेड, देन फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड सेट। सो सबसे पहले अगर नोट इसको गिवन किया, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई, बेटा हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव मेड पॉइंट ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स of angle q y, that's clear, then see the solution mein hum start karte hain, discuss karte hain, sabse pehle x y p is a straight line hai aur usse pehle ye kya kar raha beta, isko paise पहली चीज समझे बेटा, क्या करना है, समझो सबसे पहले चीज है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल, अगर बाइसेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एंगल पी वाई क्यू को क्या होगा, एंगल एंगल पी वाई क्यू इक्वल क्या होगा, एंगल बेटा सेट वाई क्यू बाइसेक्ट करेगा दोनों इक्वल होंगे, सो इट इज दिस। अब आपको क्या करना है समझे, सबसे पहले मैं क्या निकालना था, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एक्स वाई क्यू का मतलब अगर जेड वाई क्यू कंफर्म हो जाए तो वैल्यू अपनी इजीली एक्स वाई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज समझे, सब्जेक्ट एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम कितनी डिग्री का एंगल होता है, क्या स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री इक्वल टू सरफेस कितना हो गया 180, यानी कि एंगल एक्स वाई से जेड वाई क्यू और क्या होगा क्यू वाई क्यू कितना हो गया, तो 180 डिग्री कर देंगे बिकॉज़ इज linear pair of बड़ा x y z is given 64, दूसरा z y q y p या p y q दोनों इक्वल है, तो इसके प्लेस को भी क्या लिख सकते हैं, z y q इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहां से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो z y q प्लस z y q क्या हो गया 2zyq इक्वल, इसको ट्रांसपोज करेंगे 180 माइनस क्या हो गया 64, सो आपके पास में zyq इक्वल दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 6,
7 minus 6, 1. Okay, so 1, 1, 6. So you have angle ZY equal to pi over 1. 1, 1, 6, y 2. 2, 2, 5, 13. 2, 8, 4, 16. ZY equal to pi over 1. That's clear? अब हमें क्या चाहिए था इसका रेफरेंस एक्स वाई क्यूब. सो एंगल बेटा एक्स वाई क्यूब किसका कॉम्बिनेशन होगा? इट इज अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्स एक्स वाई क्यूब कौन सा एंगल है? ये दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा बेटा? जेड वाई. तो एक्स वाई जेड क्या था? 64. ये क्या गया? 58. बेटा दोनों का सम कर दो. 8 एंड 4 12. 5, 6, 11, 1 क्या हो गया? कितना आ गया? एंगल एक्स वाई कितना हो गया? 1. दूसरा रिफ्लेक्स चाहिए किसका? क्यू आई पी की. तो सॉल्व दैट बेटा. जेड वाई पी इक्वल टू क्या है बेटा? क्यू आई क्यू. ये भी कितना हो गया? देन बेटा वी हैव नीड टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी. तो रिफ्लेक्स का मतलब 6 3 6 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
हम बाद में चर्चा करेंगे। ये अपना 6.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेसिक पे हम नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच दैट वी कैन डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।